हेलो फ्रेंड, आज एक क्लास में बात करेंगे क्रॉस डेनिस वर्क के बारे में और इसके टाइप्स के बारे में, और जानेंगे कि क्रॉस डेनिस वर्क क्या होते हैं और इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। अगर हम कंपटीशन के इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो जितने भी हम कंपटीशन के एग्जाम देते हैं, चाहे वो हमारा स्टेट लेवल के हों या फिर सेंट्रल लेवल के हों, हम देखते हैं कि क्रॉस ड्रेनेज वर्क से, जैसे कि आपने देखा होगा कि एक्वाडक्ट, साइफन एक्वाडक्ट, लेवल क्रॉसिंग या फिर इनलेट एंड आउटलेट या सुपर पैसेज और कैनाल साइफन जैसे टॉपिक से हमें क्वेश्चन न्यूमेरिकल फॉर्म में भी आजकल देखने को मिलते हैं और इसके थ्योरेटिकल फॉर्म में भी हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये समझने से पहले कि टाइप्स ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क हमारे क्या क्या होते हैं और इनके बारे में डिटेल में जानकारी लेने से पहले, सबसे पहले हम चलते हैं कि आखिर क्रॉस ड्रेनेज वर्क होते क्या हैं और इनकी नीड हमें क्यों पड़ती है। तो इस टॉपिक को सबसे पहले मैं पिछले टॉपिक से रिलेट करता हूँ, आखिर इस टॉपिक की यानी क्रॉस ड्रेनेज वर्क की हमें ज़रूरत पड़ती क्यों है। तो जब हमने पिछले लेक्चरों में डिस्कशन किया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ कैनाल के बारे में, यानी जब हमने नहरों का वर्गीकरण किया था तब हमने पढ़ा था, वहाँ पर देखेंगे जरा क्लासिफिकेशन ऑफ कैनाल। मैं आपको थोड़ा इस टॉपिक को पिछले टॉपिक से रिलेट करता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि आखिर जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं क्रॉस ड्रेनेज वर्क, इसकी हमें ज़रूरत क्यों है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कैनाल जब हमने डिस्कस किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ कैनाल अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन ऑफ कैनाल अकॉर्डिंग टू अलाइनमेंट, अकॉर्डिंग टू अलाइनमेंट, जैसे हिंदी में कहते हैं संरेखण के आधार पर नहरों का वर्गीकरण। तो इस टॉपिक में हमने देखा था कि हमारी कैनाल तीन टाइप के हमने क्लासिफाई की थी, जिसमें सबसे पहली थी हमारी रिज कैनाल। इस टॉपिक को आपको ध्यान समझना होगा तभी हमें इस टॉपिक को अच्छा इंपॉर्टेंस समझ में आ सकता है। दूसरा हमारी जो कैनाल थी वो हमारी थी कंटूर कैनाल, कंटूर कैनाल। और थर्ड टाइप की हमारी कैनाल थी साइड स्लोप कैनाल, साइड स्लोप कैनाल। तो अब देखेंगे जो हमारी रिज कैनाल थी, यानी कि जब हमने नहरों का क्लासिफिकेशन किया था तो हमने अकॉर्डिंग टू अलाइनमेंट यानी संरेखण के आधार पर, हमारी तीन टाइप की नहरें होती हैं। तो सबसे पहली नहर है वो हमारी रिज कैनाल। तो रिज कैनाल किसे कहते हैं कि ऐसी कैनाल जिसका अलाइनमेंट यानी जो बनाई जाती है, जिसका संरेखण हम सबसे हाइएस्ट पॉइंट से होते हुए यानी रिज लाइन से होते हुए करते हैं, उस कैनाल को हम रिज कैनाल कहते हैं। इसको एक बार मैं इस तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज कीजिए ये हमारी कोई इस तरीके से हमारी पहाड़ी है और इस पहाड़ी के सबसे हाइएस्ट पॉइंट ये वाले हैं, तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं, रिज लाइन कहते हैं। तो इस रिज लाइन पर ही अगर हम एक कैनाल का हम निर्माण कर दें, रिज लाइन, तो रिज लाइन पर अगर हम कैनाल का अलाइनमेंट करते हैं तो उससे बनने वाली नहर हमारी क्या कहलाती है, रिज कैनाल कहलाती है। सबसे पहला पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इस कैनाल में क्रॉस ड्रेनेज वर्क नहीं बनाए जाते, ये आपको, अब मैं यहां से हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट होते हैं, क्रॉस ड्रेनेज वर्क नहीं दिए जाते हैं इसमें, इस पॉइंट को यानी हम कहेंगे क्रॉस ड्रेनेज वर्क नहीं दिए जाते हैं। तो अब देखें क्रॉस ड्रेनेज वर्क क्या होते हैं अभी डिस्कस करते हैं, लेकिन आपको समझना होगा कि इस टॉपिक को मैं कैसे इस टॉपिक से रिलेट कर रहा हूं, क्योंकि ये जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्रॉस ड्रेनेज वर्क, वो हमारा कहीं ना कहीं इससे ही रिलेट करता है। तो अब देखें कि अगर हम रिज कैनाल के बारे में, मैंने बताया कि ऐसी नहर जो हमारे सबसे हाइएस्ट पॉइंट से होके हुए यानी कि रिज लाइन से होते हुए उसका अलाइनमेंट होता है तो उसे रिज कैनाल कहते हैं, और ऐसी कैनाल पर हम कोई क्रॉस ड्रेनेज प्रोवाइड हमें करने की नीड नहीं पड़ती है। अब बात करते हैं कंटूर कैनाल। सपोज कीजिए हमारा कोई ये कंटूर मैप है इस तरीके से, तो अगर हमारी कोई भी कैनाल, कंटूर कैनाल किसे कहते हैं कि जब कोई कैनाल हमारी किसी भी एक कंटूर को फॉलो करते हुए बनाई जाती है तो उसे हम कंटूर कैनाल कहते हैं। लेकिन आप कंटूर लाइन क्या होती है उसके बारे में हम जान लेते हैं कि जब हमने सर्वे पढ़ा था तो हमने कंटूरिंग लाइन पढ़ी, तो मैंने बताया था कि इक्वल आरएल वाले पॉइंटों से जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, कंटूर लाइन कहते हैं। तो अगर ये एक लाइन आपको यहां पर ड्रॉ की गई है तो इसका मतलब इसका आरएल, इस पर जितने भी पॉइंट्स हमारे स्थित होंगे उनका आरएल कैसा होगा, इक्वल होगा। मैंने माना इनका आरएल हमारा 100 है, इस पर 99 और इस पर 98, इस तरीके से हमारा ऐसे हमारे कंटूर लाइन हमें शो कर रही है। तो अब कंटूर कैनाल कैसे कहते हैं, किसी भी एक कंटूर को फॉलो करते हुए बनाई जाने वाली कैनाल को हम क्या कहते हैं, कंटूर लाइन कहते हैं। अब देखें आप ध्यान रखेंगे कि क्रॉस ड्रेनेज वर्क की जो मैक्सिमम नीड होती है यानी सबसे ज़्यादा जो बनाए जाते हैं क्रॉस ड्रेनेज वर्क, वो कहाँ बनाए जाते हैं, कंटूर कैनाल में बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं अभी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखूंगा, देखें सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा ये हुआ। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि क्रॉस ड्रेनेज वर्क की सबसे ज़्यादा नीड कहाँ होती है, तो क्रॉस ड्रेनेज वर्क
क्रॉस ड्रेनेज वर्क मैक्सिमम कहाँ पर बनाए जाते हैं, कंटूर केनाल में बनाए जाते हैं। मैं इस पॉइंट को यहाँ पर भी लिख देता हूँ कि यहाँ पर हमारा कहाँ पर बनाए जाते हैं, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ मैक्सिमम क्रॉस ड्रेनेज वर्क यानी सीडी वर्क कंटूर केनाल में बनाए जाते हैं, कंटूर केनाल में बनाए जाते हैं। अब आता है हमारा लास्ट में साइड स्लोप कैनाल। तो अब इसका भी कहीं ना कहीं रिलेशन हमारे किसी कंटूर लाइन से ही है। तो देखें, जब कोई भी साइड स्लोप कैनाल कैसे कहते हैं, जब कोई नहर कंटूर लाइन को 90 डिग्री पर क्रॉस करते हुए जाती है, ध्यान रखेंगे कितना 90 डिग्री पर क्रॉस करते हुए जाती है, यानी किसी नहर का अलाइनमेंट कुछ इस तरीके से है कि वो जितने भी कंटूर हैं उनको 90 डिग्री पर क्रॉस करते हुए जा रही है, तो ऐसी कैनाल हमारी क्या कहलाती है, साइड स्लोप कैनाल कहलाती है। ध्यान रखेंगे यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इस टाइप की कैनाल में भी क्रॉस ड्रेनेज वर्क यानी सीडी वर्क का मतलब क्या है, फुल फॉर्म सीडी की, क्रॉस ड्रेनेज वर्क नहीं प्रोवाइड किए जाते, क्रॉस ड्रेनेज वर्क नहीं दिए जाते हैं। अब देखेंगे यहां पर, तो अब क्रॉस ड्रेनेज वर्क आखिर होते क्या है, ये तो हमने समझ लिया कि कहां दिए जाएंगे कहां नहीं दिए जाएंगे। अब क्रॉस ड्रेनेज वर्क क्या होते हैं उसके बारे में सुने कि जब भी कोई नहर अपनी जब कोई नहर हमारी चल रही है और उस नहर अपने रास्ते में ही पड़ने वाली किसी भी नदी या नाले को क्रॉस करती है, चाहे वो नदी या नाले के नीचे से क्रॉस करे या नदी या नाले के ऊपर से क्रॉस करे या नदी या नाले के लेवल में क्रॉस करे, तो उस क्रॉसिंग पर हम जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उन्हीं स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, क्रॉस ड्रेनेज वर्क कहते हैं। तो मैं दोबारा से बोल रहा हूँ इसको सिस्टमैटिक वे में कि जब कोई नहर यानी जब कोई कैनाल अपने रास्ते में पड़ने वाली किसी नहर या नाले के ऊपर से या नीचे से या लेवल में ही क्रॉस करती है, तो क्रॉसिंग पर यानी क्रॉसिंग जंक्शन पर बनाए जाने वाले हमारे जो वर्क हैं जो स्ट्रक्चर है उसी को हम क्रॉस ड्रेनेज वर्क कहते हैं। अब मैंने बताया कि सपोज कीजिए कोई नहर यहाँ से चल रही है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर चल रही होगी, तो आप देखेंगे कि वो हमारी किसी भी नदी या नाले को नहीं क्रॉस करेगी, तो इस केस में हम क्रॉस ड्रेनेज वर्क यहाँ पर नहीं देते हैं। लेकिन कंटूर कैनाल के केस में ऐसा मैक्सिमम टाइम होता है कि उसमें हमें क्रॉस ड्रेनेज वर्क प्रोवाइड करने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें क्रॉसिंग देखने को मिलती है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैक्सिमम क्रॉस ड्रेनेज वर्क हमारे कहाँ दिए जाते हैं, कंटूर कैनाल में दिए जाते हैं। तो ये तो हुआ हमारा टॉपिक कि इसको मैंने पिछले टॉपिक से रिलेट कर दिया। अब चलते हैं हम आगे आज के टॉपिक पर। इस टॉपिक को आप तुरंत नोट करिए और लिखिए कि ये टॉपिक जो मैंने अभी बताए हैं कहां क्रॉस ड्रेनेज वर्क दिए जाते हैं कहां नहीं दिए जाते हैं, और इससे जुड़ी हुई जानकारी आपको होनी जरूरी है। अब हम चलते हैं, इतना नोट करने के बाद वीडियो रोक कर आप इतना नोट करें उसके बाद आगे लिखेंगे। अब चलते हैं हम आज के टॉपिक पर। तो इतना हम सीख कर आ गए अब तक, हमने ये सीख लिया कि क्रॉस ड्रेनेज वर्क हम कहाँ पर देते हैं और वो क्या होते हैं। तो इतना समझ में आ गया कि जब भी कोई नहर हमारे रास्ते में पड़ने वाली नदी या नाले को उसके ऊपर से या नीचे से या उसके लेवल में क्रॉसिंग करती है, तो वहाँ पर हम जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, क्रॉस ड्रेनेज वर्क कहते हैं। अब जैसे मैंने अभी बताया कि नहर हमारी नदी के ऊपर से नदी या नाले के ऊपर से अगर क्रॉस करती है या फिर उसके नीचे से क्रॉस करती है या लेवल में क्रॉस करती है, इस आधार पर हमारे जो टाइप ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क हैं ये तीन कैटेगरी में हमारे डिवाइड हो जाते हैं। सबसे पहले कैटेगरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है कि वैन कैनाल फ्लो ओवर द ड्रेन और रिवर, यानी जब कोई नहर किसी नदी या नाले के ऊपर से बहती है, तो ये वाला हमारा पहला कैटेगरी हो गई इसकी क्रॉस ड्रेनेज वर्क की। दूसरा, अब हम इसके बारे में क्या सीखेंगे, इसके बारे में सीखेंगे आखिर हम ऐसा कब करेंगे, यानी हमारे सामने क्या सिचुएशन होगी तब हमें यह करना होगा। दूसरा हमारा क्या है कि व्हेन ड्रेन और रिवर फ्लो ओवर द कैनाल, यानी उसका पहली वाली कंडीशन का जस्ट अपोजिट हुआ वाला हो गया, यानी कि जब कोई नाला या नदी हमारी क्या करती है, कैनाल के ऊपर से होकर बहती है यानी नहर के ऊपर से बहती है, तो ये हमारी सेकंड कैटेगरी हो गई इसकी, ये दूसरा टाइप हो गया। यानी एक बार तो हमारी नहर कहाँ पर है, नदी या नाले के ऊपर है, दूसरी बार में हमारी नहर नदी या नाले से नीचे बह रही है, तो ये हमारा क्या हो गया, देखें ये अलग जैसा ये है उसका जस्ट अपोजिट हमारा ये वाला पोर्शन हमें देखने को मिल रहा है। तो अब इन दोनों की सिचुएशन क्या रहेगी, हमें साइड पर क्या सिचुएशन देखने को मिलेगी, हम कब कब ऐसा बनाएंगे और ये कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं कि जब कोई नहर या नदी
एक ही लेवल पर क्रॉस कर जाएं, और वहां पर हम जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसे हम कहते हैं लेवल क्रॉसिंग या इनलेट एंड आउटलेट्स। तो ऐसे हम कब बनाते हैं, तो यहां पर थर्ड कैटेगरी है कि जब एक ही लेवल में क्रॉस करना हो। इसका मतलब हम कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं कि यहां पर देखें कैनाल और रिवर को एक दूसरे के ऊपर या नीचे बह रहे हैं, इसका मतलब आपस में मिक्स होने नहीं दिया जाएगा। कोई ऐसा स्ट्रक्चर हम बनाएंगे कि पानी आपस में मिक्स नहीं हो पाएगा। यहां पर भी वही देख रहे हैं कि नदी ऊपर है, हमारी नहर नीचे है, तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि हमारी कैनाल हमारे अलग से बहेगी और रिवर के लिए हम कोई स्ट्रक्चर बनाएंगे उसमें होकर बहेंगे, यानी पानी को अब भी हम क्या कर रहे हैं एक दूसरे में मिक्स होने नहीं दे रहे हैं। लेकिन हमारे क्रॉस ड्रेनेज वर्क ऐसे भी होते हैं जिसमें हम एक दूसरे के वाटर को, यानी कि कैनाल और रिवर या ड्रेन की वाटर को हम क्या करते हैं आपस में मिक्स होने देते हैं। तो व्हेन क्रॉस ड्रेनेज वर्क मिक्स द ड्रेनेज रिवर इनटू द कैनाल, इसका मतलब यह है कि ऐसे क्रॉस ड्रेनेज वर्क जो हमारे क्या करते हैं ड्रेनेज वाटर को, यानी कि जो रिवर है या फिर हमारा जो नाला है उनके वाटर को कैनाल में मिक्स होने देते हैं, ऐसे क्रॉस ड्रेनेज वर्क हमारे होंगे। तो ये हमारे कितने टाइप के हो सकते हैं, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं सबसे पहला टाइप हमारा इसका है लेवल क्रॉसिंग। इसका सबसे पहला टाइप हमारा कौन सा है, लेवल क्रॉसिंग। यहां से भी हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेवल क्रॉसिंग। दूसरा एक हो सकता है हमारा, इसी का टाइप हमारा हो सकता है इनलेट एंड आउटलेट्स, तो इसके बारे में हम अलग अलग इनलेट्स एंड आउटलेट्स, इनलेट एंड आउटलेट्स। तो अब देखें सबसे पहले वाले की अगर हम बात करते हैं, यानी कि पहला कंडीशन हमारी क्या है, व्हेन कैनाल फ्लो ओवर ए ड्रेन और रिवर, यानी कि जब कोई भी नहर हमारी नदी या नाले के ऊपर से बहती है तो वो उसको हम ऐसे, इस कैटेगरी के हमारे दो टाइप के स्ट्रक्चर हो सकते हैं, एक हमारा एक्वीडक्ट कहते हैं, दूसरा हम कहते हैं साइफन एक्वीडक्ट। तो अब जो हमारा एक्वीडक्ट है वो हमारा किस तरीके से, ये दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, कैसे कैसे क्वेश्चन हमसे पूछने को मिलता है उसके बारे में बात करेंगे। तो अब बात करते हैं ये सिचुएशन हमारी कब क्रिएट होगी, यानी कब हम साइड पर क्या सिचुएशन देखेंगे कि तब हम बनाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि यहां पर लिखेंगे हम ऐसे क्रॉस ड्रेनेज वर्क में, यही वाला पॉइंट मैं दोबारा लिख रहा हूं, ऐसे सीडी वर्क्स में, ऐसे क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स में कैनाल हमेशा, कैनाल हमेशा क्या रहेगी हमारी, ड्रेन या, ड्रेन या रिवर के ऊपर से बहती है, ऊपर से बहती है, यानी हमेशा ऊपर ही रहेगी और वाटर की बहती है और वाटर की कोई मिक्सिंग नहीं होगी। तो यहां पर हम लिखेंगे ऐसे सीडी वर्क्स में, ऐसे सीडी वर्क्स में, यानी ऐसे क्रॉस ड्रेन वर्क्स में कैनाल या ड्रेन का, कैनाल या ड्रेन वाटर को, वाटर को मिक्स नहीं होने दिया जाता है, नहीं होने दिया जाता है, दिया जाता है। दूसरा यानी कि देखें हमने दो पॉइंट्स लिखे, दोनों पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे कि एक तो हमारा कि नहर हमेशा ही ऊपर बहेगी, दूसरा अगर ऊपर बहेगी या नीचे बह रही है इस तरह से कंडीशन है तो ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, दोनों को अलग अलग बहाएंगे हम, तो इस कंडीशन में यानी कि वाटर को मिक्स होने नहीं दिया जाता है। यहां पर हम ये लिखेंगे कि इस स्ट्रक्चर को हम तब बनाते हैं जब हमारा कैनाल का जो सेक्शन है वो थोड़ा छोटा हो, जबकि हमारा जो रिवर का सेक्शन है यानी कि जो ड्रेन का सेक्शन है वो हमारा काफ़ी बड़ा हो, या आप ऐसे कह सकते हैं आसान भाषा में कि हमारी रिवर की जो, रिवर का जो हमारा सेक्शन है यानी जो हमारा रिवर का साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है, जबकि उसके कंपेरिजन में कैनाल हमारी काफ़ी छोटी होगी। तो उस केस में हम यही सोचेंगे कि हमें इकोनॉमी को देखते हुए हम यही सोचेंगे कि हमें कैनाल के लिए कोई अलग से स्ट्रक्चर बनाना चाहिए और कैनाल को हमें बहा देना चाहिए अलग से स्ट्रक्चर में होकर, और जबकि हमारी जैसी नेचुरल फॉर्म में हमारी रिवर या ड्रेन बह रही है उसको वहीं पर बहने देना चाहिए। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ऐसे स्ट्रक्चर तब बनाए जाते हैं या ऐसे क्रॉस ड्रेनेज वर्क तब बनाए जाते हैं, तब बनाए जाते हैं जब ड्रेन सेक्शन, ड्रेन सेक्शन कैनाल सेक्शन से, कैनाल सेक्शन से काफी बड़ा होता है यानी कि लार्ज होता है,
लार्ज होता है। ये हो गई हमारे इसके जुड़े हुए हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहां पर डिस्कस किए। दूसरा अब हम चलते हैं इसमें, देखें अब इसमें क्या होगा, कुछ सेक्शन में साइफनिंग एक्शन हो भी रहा होगा, यानी कुछ टाइप के जो हमारा ये कैटेगरी है जिसमें हम जो क्रॉस जॉइंट वर्क बनाएंगे वो दो टाइप के होंगे, एक एक्विडिक्ट और दूसरा साइफन एक्विडिक्ट। तो आपको नाम से पता चला है इसमें साइफन एक्शन भी होते हैं, तो यहां पर हम लिखेंगे कि इस टाइप के क्रॉस जॉइंट वर्क में साइफन एक्शन हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि इसमें साइफन एक्शन नहीं होगा, इसमें साइफन एक्शन होगा तो हम यही कहेंगे हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो यहां पर हम कहेंगे, यहां पर ऐसे लिख देता हूं कि ऐसे सीडी वर्क्स में साइफन एक्शन होता है। अभी जब हम डिस्कस करेंगे इन दोनों को, डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो आपको ये वाला पॉइंट पूरी तरह से क्लियर भी हो जाएगा। अब आगे चलते हैं हम इसमें थर्ड वाले पोर्शन में, ये हम कब बनाते हैं, तो व्हेन ड्रेन और रिवर फ्लो ओवर द कैनाल, यानी जब अब हमारे क्या हो गया, नहर हमारे नीचे आ गई और जबकि हमारी ड्रेन या रिवर कहाँ पर है, ऊपर है, तो उस केस में जो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, दो टाइप के स्ट्रक्चर हैं, सुपर पैसेज एंड कैनाल साइफन। लेकिन इन दोनों के लिए भी हमारे क्या होंगे, स्ट्रक्चर ऐसे होंगे कि आपस में वाटर को मिक्स होने नहीं दिया जाएगा। तो जो पॉइंट नंबर टू यहाँ का है कि वाटर को मिक्स होने नहीं देते हैं, वही पॉइंट नंबर टू हम यहाँ पर भी कॉपी पेस्ट कर देंगे, यानी यही वाला पॉइंट आपको कहाँ लिखना, वहाँ पर लिख लेना, ये आपकी ड्यूटी है, आप इसको लिख लेना। दूसरा यहाँ पर लिखेंगे ऐसे सीडी वर्क्स जो कैनाल हमेशा ड्रेन या रिवर ऊपर बहती है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, ऐसे क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स जिसमें क्या होगा हमारा ड्रेन, ध्यान रखेंगे ड्रेन या रिवर हमेशा क्या होगा, ड्रेन या रिवर कैनाल से ऊपर बहती है। तो ऐसे ड्रेनेज सिस्टम को हमारे कैसे दो कैटेगरी में होते हैं। अब देखो आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, तो उसमें आपको सिर्फ क्या बोला गया है देखेंगे ध्यान से, आपको बोला गया है कि ऐसे, यानी कि व्हेन ड्रेन रिवर, ड्रेन और रिवर फ्लो ओवर द कैनाल, यानी कि जब हमारी ड्रेन या रिवर हमारे कैनाल के ऊपर से बहती है तो उस केस में हमारे कौन से स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए और बी में ये है और ऑप्शन सी और डी में ये है, तो आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी एंड डी राइट। तो आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन हमारे किसी भी तरीके से बन सकते हैं, ऐसे इसमें ही बोल सकता है कि व्हेन कैनाल फ्लो ओवर द ड्रेन और रिवर, जब हमारी नहर किसी भी नदी या नाले के ऊपर से बहती है तो हमारे कौन सेक्शन बनाए जाते हैं, ऑप्शन ए ये वाला, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो उस केस में हमारे कितने आंसर राइट होंगे, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, क्योंकि इन दोनों ही केस में ये वाली सिचुएशन सेटिस्फाई होगी और इन दोनों ही सिचुएशंस में हमारी ड्रेन हमेशा ऊपर रहेगी कैनाल से। तो इस तरह के क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं जिसमें हमारे एक से ज्यादा आंसर सही होते हैं, ए एंड बी या बी एंड सी या सी एंड डी, इस टाइप के हमारे आंसर सही हमें देखने को मिलते हैं। अब देखें इसमें दूसरा वाला पॉइंट तो हमारा कॉमन हो गया, तीसरा वाला भी पॉइंट इसमें कॉमन होगा क्योंकि इसमें भी एक स्ट्रक्चर ऐसा है कैनाल साइफन जिसमें हमारी साइफनिंग एक्शन होता है और साइफन एक्शन के थ्रू ही हमारा वाटर क्या होता है, आगे फ्लो करता है। तो ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि ये कुछ पॉइंट इसमें सिमिलर रहेंगे, बस डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है कब कैनाल हमारी बॉटम बिलो है और कब कैनाल हमारी ड्रेन या रिवर से अबव है, इस बात को हम अच्छी तरीके से याद रखेंगे। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब आगे हमारा है कि व्हेन क्रॉस ड्रेनेज वर्क मिक्स द ड्रेनेज और रिवर वाटर इनटू कैनाल, यानी जब हमारा नहर या नाले के पानी को हम क्या कर देते हैं, कैनाल में मिक्स होने देते हैं, तो उस कंडीशन में हमारे पास ये दो टाइप के हमारे सिचुएशंस होती हैं। तो सबसे पहले इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखेंगे कि इस टाइप के ऐसे क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स की इनिशियल कॉस्ट लो होती है क्योंकि हमें ज़्यादातर कोई स्ट्रक्चर बनाना भी नहीं होता। दूसरा ऐसे क्रॉस ड्रेनेज वर्क तब बनाए जाते हैं, अब देखो ये हम आखिर कब बनाएंगे, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि कभी हमारा जो ड्रेन है या फिर रिवर है उसका सेक्शन बड़ा है, कैनाल का सेक्शन थोड़ा छोटा है, तो उस कंडीशन हमने डिसाइड कर लिया कि हम या तो एक्वाडक्ट बना देंगे या साइफन एक्वाडक्ट बना देंगे, जो भी हमें सूटेबल लगेगा। लेकिन ऐसा भी होता है कि जब हमारे दोनों, यानी कि ड्रेन या रिवर का साइज भी, जो उसका सेक्शन है उसका साइज बहुत बड़ा है, यानी उसके जो सेक्शन साइज है वो बहुत बड़े हैं, और कैनाल सेक्शन का साइज भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए,
उस कंडीशन में हम ये रिकमेंड करते हैं कि उस कंडीशन में हम रिवर या ड्रेन के वाटर को हमें कैनाल में मिक्स कर देना चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, ऐसे क्रॉस ड्रेनेज वर्क तब बनाए जाते हैं, ऐसे सीडी वर्क्स तब बनाए जाते हैं, तब बनाए जाते हैं जब कैनाल सेक्शन, इन दोनों को मैं स्ट्रीम सेक्शन लिख दे रहा हूं, एंड और स्ट्रीम सेक्शन काफी बड़े होते हैं, काफी बड़े होते हैं यानी काफी लार्ज सेक्शन होते हैं, इनके इन कंडीशन ऑफ लार्ज सेक्शन काफी बड़े होते हैं। ये हो गए हमारे इसके दो पॉइंट्स। अब इसको आपको ध्यान रखना है। अब हम यहां से क्या करेंगे, जो अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, ये अभी हमने क्या किया, इंट्रोडक्शन फॉर्म में पढ़ लिया कि आखिर क्रॉस ड्रेनेज वर्क होते क्या हैं, इनकी जरूरत कहां से पड़ी है, क्या काम करते हैं ये, कितने टाइप के हो सकते हैं। तो ओवरऑल हमने सीखा कि क्रॉस ड्रेनेज वर्क की अगर हम बात करें तो वो तीन कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं और तीनों कैटेगरी में हमारे छह टाइप के क्रॉस ड्रेनेज वर्क होते हैं। अब एक एक कैटेगरी को हम काफ़ी डिटेल से विद डायग्राम हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा ये लेक्चर, आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं, और अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो हमारे कोर्स को आप लाइक करें और हमारे ऐप को डाउनलोड भी करें, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फर्स्ट कंडीशन के साथ।